जैसे अगर कोई आपके जितना जानने वाला नहीं है। पाखंड पे से जब पर्दा उठता है तो क्या होता है, 70 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए। गाय के गोबर से मुंह धोने से रूप निखर जाएगा, चमड़ी के सारे रोग गायब हो जाएंगे, गाय के गोबर से कैंसर की बीमारी तक ठीक हो जाएगी। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धोला? नहीं। मगर जब यही गोबर महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी के सामने लाया गया तो बाबा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। बाबा का हकलाना साफ साफ देखने को मिल गया। लोगों को समझाना आसान है, मगर जब बाबा के आगे इसी गोबर को लाया गया तो बाबा ने फटाफट गोबर से किनारा कर लिया। कुछ बाबाओं ने लोगों का दिमाग इतना ज्यादा खराब कर रखा है कि लोग गोबर भी खा लेते हैं। देखिए, अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, एक चम्मच गोबर। टाइम्स नाउ के न्यूज चैनल पर हुई डिबेट में लोगों के साथ साथ कई विशेषज्ञ भी मौजूद थे। उन्होंने बाबा से ऐसे ऐसे सवाल किए कि बाबा की यहाँ पर हवा टाइट होती नजर आई। यहाँ हर बार ये गुरुजी वेदों का सहारा लेते हुए नजर आए, मगर इस वीडियो पर ऐसे लोग भी रिएक्ट करते हुए नजर आए। एक डॉक्टर ने लिखा कि इन बाबाओं के पास अपनी बात का कोई भी सबूत नहीं होता, लोगों को गोबर खाने को बोलते हैं और खुद गोबर को देखकर पीछे हट जाते हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि बाबा कभी खुद गोबर खाकर क्यों नहीं दिखाते, लोगों को ही बोलते हैं कि गोबर खाओ गोबर खाओ। इस डिबेट में कुछ महिलाओं ने भी अपने सवाल रखे, जिनका जवाब देते हुए बाबा बुरे तरीके से फंसते नजर आए। एक महिला ने पूछा कि क्या महिलाओं को काम करना चाहिए, तो बाबा ने बोला कि ज्यादातर ऐसे पुरुष जो पैसे वाले होते हैं वो नहीं चाहते कि महिलाएं काम करें, तो उनको अपने पतियों की बात मान लेनी चाहिए। लोगों ने कहा कि बाबा हर बात का ऊट पटांग जवाब देके लोगों को बस कंफ्यूज करते हैं। एक यूजर ने लिखा कि बाबा ने आज तक गोबर से किसको सुंदर बना दिया है, या गोबर खाकर आज तक कौन सा ऐसा मरीज है जो ठीक हो गया है, हमने तो नहीं देखा। अगर आज तक किसी ने भी देखा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। अब यहाँ आपको क्या लगता है, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में अपनी राय दें, क्योंकि दोस्तों हम भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मानते हैं कि इन्हें बहुत ज्ञान है। और ये जो आश्रम चलाते हैं उसमें भूखों को खाना खिलाते हैं, गौशाला भी ये चलाते हैं, वहाँ गायों की सेवा होती है और भी समाज में बहुत बड़े बड़े काम ये करवाते हैं। लेकिन इस तरह से जब किसी किसी बात पे आम लोगों को धर्म के नाम पर ये लोग गुमराह करते हैं तो अटपटा तो लगता है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी तक ये सच्चाई पहुंच सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।